सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे एनएचपीसी को लेकर। आप लोग देखोगे एनएचपीसी बहुत ज़्यादा फोकस में है, ठीक है, और स्टॉक पिछले कुछ टाइम से लगातार कंटिन्यूसली तेजी दिखा रहा है। अभी एसजेवीएन है, एनएचपीसी है, सुजलोन एनर्जी और भी बहुत सारे स्टॉक का पावर सेक्टर से रिलेटेड, आर पावर हो गया, जेपी पावर हो गया, सभी पावर सेक्टर के स्टॉक्स बिल्कुल बुलिश है। अडानी पावर, टाटा पावर, सभी के सभी शेयरों में काफ़ी शानदार मोमेंटम बने हुए हैं। तो ये तेजी के माहौल आखिरकार क्यों है भाई? एक तो आप लोग देखोगे भी बहुत से कंपनियां जो ना भी अपने जो रिवेन्यू से रिलेटेड है, जो बिजनेस परफॉर्मेंस रही है एक साल के दौरान की, वो अपने डाटा डिस्क्लोज कर रही हैं। तो साथ में आप लोग देखो कि बहुत सी कंपनियों के रिगार्डिंग अच्छे अच्छे ऑर्डर मिलने की खबरें आ रही हैं निकल कर सामने, या फिर आगे जो पावर की डिमांड रहने वाली है गर्मियों के मौसम में, उन सबको देखते हुए पावर सेक्टर के ऊपर बहुत से निवेशक जो है बिल्कुल बुलिश है। इसीलिए आप लोग देखोगे इन पूरे सेक्टर्स के अंदर ये तेजी का माहौल बना हुआ है। इसी बीच आप लोग देखोगे एक बड़ी खबर आते हुए नजर आई है। जी हाँ, अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है एनएचपीसी के रिगार्डिंग, जिसका असर कल के दिन हमें बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई देगा और स्टॉक के ऊपर में जबरदस्त मूव आने की संभावना है। 20% की सर्किट लिमिट है। तो क्या खबर आई है अभी, चलिए जानते हैं डिटेल में और उसका इम्पैक्ट कैसा हो सकता है, कैसे टारगेट रहेंगे कल के, चलिए जानते हैं डिटेल में चार्ट्स के हिसाब से। और जो भी भाई टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी जो भी स्टॉक्स आपको दिए हैं, ठीक है, शेयर एंड कैप इंडिया सिक्योरिटीज में आप लोग देखोगे भी 6-7% की जबरदस्त रैली हमें देखने को मिली है। तो वहीं आप लोग इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड 180 के आसपास, 188 के आसपास बोला था, और अभी के टाइम आप लोग देख सकते हो 176 के आसपास, सॉरी वहाँ से बोला था, और अभी के टाइम आप लोग देखोगे स्टॉक कहाँ से कहाँ पर पहुँच गए। सिम ट्रेड के लिए दिया था भाई GMR एयरपोर्ट, ठीक है, 72 रुपये के सपोर्ट SL के साथ, और 80 के रेट में दिया था भी, और अभी के टाइम 88 के रेट में, और अभी के टाइम आप लोग देखो जो शेयर है वो काफ़ी अच्छी रैली हमें दिखा चुका है 80 के भाव से, ठीक। उसके बाद आप लोग देखोगे सोम डिस्टिलरी दिया था भी 29 मार्च को दिया था, और पिछले दो दिन में आप लोग देखोगे स्टॉक में कितनी शानदार तेजी हमें देखने को मिली है। आज भी आप लोग देखोगे जबरदस्त रैली स्टॉक में रही है, ठीक है। जो हमारे इंजीनियर इंडिया लिमिटेड है 218 प्लस के मूव हमें दिखा चुका है, काफ़ी शानदार मूवमेंट, कम से कम 15-20% की जो रैली है वो हमें इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के अंदर देखने को मिल गया, इतना अच्छा प्रॉफिट्स। तो आप भी टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मिस नहीं करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर ये एनएचपीसी हो गए या फिर और अदर स्टॉक्स है, इनकी लिस्ट मैंने 17 तारीख को ही बनाकर डाल दी थी भी, और देख सकते हो भी 17 तारीख को जो भी स्टॉक्स आपको दिए थे आज वही स्टॉक आपको जो एक जबरदस्त रैली में दिखाई दे रहे हैं। यहां पर देख सकते हो भी ये वो स्टॉक थे जो हमें एक अच्छे खासे डिस्काउंट पर मिल रहे थे। BEL लिमिटेड 180 से भी नीचे में, 180 के आसपास था। NMDC है, NBCC, NHPC है, NLC इंडिया, ये इतने चीप प्राइस पर, इतने हैवी डिस्काउंट पर 17 तारीख को मिल रहे थे। वहां पर आर्टर एंटरप्राइजेस, हैप्पीएस्ट माइंड, टाटा मोटर, टाटा पावर, KPI ग्रीन, ठीक है, मजगांव डॉक्सी बिल्डर, टाटा स्टील 140 के आसपास, तो अभी टाइम 160 प्लस पहुंचा हो, तो इन शेयरों में जबरदस्त रैली बनी और आगे भी रैली बनती रहेगी। इसी प्रकार से अच्छे अच्छे स्टॉक आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई, ठीक, और साथ में हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी एनएचपीसी की तरफ से एक नोटिस पब्लिश किया गया है। इस नोटिस के माध्यम से हमें क्या पता चला है कि भी देखो जो ESG रेटिंग है वो कंपनी को मिली है कहाँ से, S&P ग्लोबल से, ठीक है। S&P, डाउ जॉन्स, नेस्डेक, ये कहाँ के इंडेक्स है, अमेरिका के, ठीक है। तो वहां से एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है, यहां पर देख सकते हो भी S&P ने जो ना भी इसको रेटिंग दिया, स्कोर दिया है, जो कि अब की बार देते हुए नजर आए अभी 48 का, जी हाँ 48 का स्कोर दिया है, जो प्रीवियस ईयर में आप लोग देखोगे यही स्कोर था 17 का। तो 17 से 48 का इतना बड़ा आप लोग देखोगे स्कोर यहां पर दिया गया है, ठीक है। यहां से देखोगे इट इज टू इन्फॉर्म दैट NHPC लिमिटेड हैड पार्टिसिपेटेड इन S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबल असेसमेंट, ठीक है, सर्वे डाउ जॉन्स सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड इंडेक्स फॉर मेथोडोलॉजी ईयर 2023 बेस्ड ऑन CSA एनालिसिस। NHPC हैज अचीव्ड S&P ग्लोबल ESG स्कोर ऑफ 48। तो आप लोग देखोगे भी जो
यहाँ पर जो NHPC को जो स्कोर मिला है 2023 के लिए, ठीक है, जो S&P ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट है, ठीक है, वहाँ से आप लोगों देखोगे जो उसमें भाग लिया था कंपनी ने उसको 2023 के दौरान, वहाँ पर जो कंपनी को स्कोर दिया गया है वो 48 का है, और इसी 48 के स्कोर के साथ स्टॉक में कल के दिन ज़बरदस्त मूव आने की संभावना है भाई, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर में आप लोग देखोगे 217 का इसको स्कोर मिला था और अब की बार तो 48 का है, ठीक है। तो चलिए भैया देखते हैं इसका। तो यहाँ पर आप लोगों ने भी NHPC का जो डाटा देखने को मिला, प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, 90 रुपये 50 पैसे, ओपन हुआ 90.95, 92.85 का हाई लगाया, और फिर नीचे में स्टॉक आया भी 89.60 तक नीचे में भी आया, क्लोजिंग जो ये 92.20 के आसपास हुई है। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर एक 9000 क्वांटिटी के आसपास का सेल ऑर्डर है, डिलीवरी पोजिशन 25% के आसपास, डाटा थोड़ा सा नेगेटिव है लेकिन जो खबर आई वो पॉजिटिव है। तो चलिए भी अब देख लेते हैं चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो भी स्टॉक में काफ़ी शानदार मोमेंटम हमें देखने को मिल रही हैं। जब से स्टॉक में ब्रेकआउट आया ट्रेंड लाइन का यहाँ पर, या फिर 86 रुपये का जो ब्रेकआउट लेवल था उसके बाद स्टॉक नॉन स्टॉप चला है भाई, ठीक है, कहीं गिरने का नाम नहीं है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन किया होगा लेकिन स्टॉक अल्टीमेटली चला तो ऊपर ही है भाई, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख, बड़ा मौका था स्टॉक में जब ये स्टॉक आ गया था नीचे में भी लगभग 73-75 के आसपास, वहाँ से अगर आप लोगों ने खरीदारी की है तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़बरदस्त, ठीक है, 78 के आसपास से मेरे भी इसके अंदर होल्डिंग है, और इसके अंदर हम जो ना अभी लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हैं कम से कम 1-2 साल के लिए 3 साल के लिए होल्ड करेंगे, ठीक है, और तब तक आप लोगों ने बीच बीच में मौके बहुत मिलेंगे स्टॉक में नीचे से ऊपर से खरीदारी करने के, तो वो मौके हाथ से नहीं जाने चाहिए, ठीक है। तो कल अगर स्टॉक फ्लैट ओपन हो या अपने प्राइस के आसपास ओपन हो तो इंट्राडे करने का भी अच्छा खासा मौका रहेगा, नीचे में 88.46 रुपये के सपोर्ट के साथ आप लोग 95 रुपये के टारगेट के लिए, या फिर ऊपर में जो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा वो रहेगा 100 का, तो ये टारगेट है रहने वाले इसके 95 एंड 100, और सपोर्ट पे अगर काम करना है तो 86 का सपोर्ट है, ये इसका आगे का लेवल रहेंगे। इसके अलावा और कुछ पूछना भी कमेंट में पूछ सकते हो, भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक के रिगार्डिंग आगे कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।